तो दोस्तों देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है मान लो आपके पास 7,000 रुपए हैं, ठीक है, आपने एक व्यक्ति को 5% पर कुछ पैसा उधार दे दिया, मुझे भी नहीं पता कितना दिया, ठीक है, जो बचा पैसा वो 4% की रेट पे किसी और व्यक्ति को दे दिया। अब आपको इस व्यक्ति से और इस व्यक्ति से, मतलब 5% वाले से और 4% वाले व्यक्ति से दोनों से ब्याज मिला, वो टोटल ब्याज मिला आपको 2560 रुपीज, इतना आपको ब्याज मिला। अब इतना ब्याज मिला तो आप बताइए कि 4% की दर से जिस व्यक्ति को उधार राशि दी गई थी वो कितना दिया गया था, ये क्वेश्चन ने बोला है। तो क्वेश्चन ने बोला है 60,000 रुपए आपके पास है, एक को एक्स रुपए दे दूं तो बचा कितना, 60,000 में से एक्स रुपए कम हो गए, मतलब मान लो ये 5% वाले व्यक्ति को दिया तो ये 4% वाले को दिए, दोनों को एक साल के लिए दिया, एक साल के लिए दे दिया, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, पी इंटू तीन तो आर, दोनों से जो ब्याज मिला वो कितना मिला उनको, 2560। यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन बड़ी है, डरने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने का तरीका है इसको देखो, यहाँ पर है 5x/100, काटा पिटी नहीं करनी आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या आपका 60,000 × 4/100, अभी काटा पिटी कुछ नहीं करना आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4x/100, यहाँ बचा आपका 2560। ये तो मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, मान तो और इजी हो जाएगा जल्दी जल्दी करोगे तो। अब देखो यहाँ पर 100, कोई दिक्कत नहीं, 5x में से 4x गया, कितना बचा एक्स, और नीचे जो 100 है वो कॉमन आ जाता है तो 100 यहाँ पर लिख दो। फिर क्या बचा, ये बचा पार्ट, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको काट सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2400 = 2560, है ना। तो इस ये इधर क्या बचा हमारा, x/100 बचा, इसको मैं उधर ले जाऊंगा माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 160, तो x = आ गया 160, 100 उधर मल्टीप्लाई जाएगा कितना हो गया 16,000 रुपया गया। तो यहाँ पे एक पूछता कि 5% की दर से उधार दी गई राशि कितनी थी, तो हमारे पास कितना आ गया 16,000 रुपया आ गया, और यदि हमसे पूछा है कि 4% की रेट से उधार दी गई राशि कितनी है तो इस एक्स को यहाँ पर रख देंगे, तो 60,000 में से 16,000 रुपये माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 44,000 रुपये, ठीक है, 60,000 में से 16,000 को माइनस करोगे कितना जाएगा, 44,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, इतना सा है क्वेश्चन। मेन मैटर करता है कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर रहे हो, यदि यही काटा पिटी कर दोगे आप तो फिर बहुत बुरे उलझ जाओगे, एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से नहीं करना है, देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास 20,000 रुपए हैं जिसमें से 8% पे किसी को कुछ पैसा आपने दे दिया, और जो बचा हुआ पैसा है 20,000 में से कुछ तो दे दिया आपने और कुछ पैसा बचा हुआ है वो दिया आपने 4/3% दर से किसी और को, तो 8% वाले से और 4/3% वाले से ओवरऑल जो ब्याज मिला वो कितना है, 800 रुपए है। तो बोला है 8% पर दी गई राशि कितनी है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा इजी है, एक मेथड यूज करते हैं हम लोग मिश्रण, कौन सा मेथड, मिश्रण मेथड यूज करते हैं। तो हमको कितना है 4/3% पे एक ने दिया, मतलब एक को दिया और एक को दिया, दो जने को पैसा दिया, ओवरऑल दोनों से मिला के हमको ब्याज कितना मिल रहा है 800 रुपए, तो 800 रुपए का परसेंटेज निकाल लेंगे क्या, तो 800 रुपए का जो प्रतिशत निकाला हम लोगों ने, परसेंटेज निकाला, वो निकल के आएगा हमारे पास कितना 4%, तो ओवरऑल कितना निकल के आया 4%। अब देखो ये बटा की संख्या है, इसको थोड़ा सा सही करने के लिए नीचे 3 है तो इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 24, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कटेगा 4 बचा, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर तो कितना गया 12, कितना गया 12 आ गया, अब इसको इसमें से माइनस कर दो सिंपल सा हो गया, इसको इसमें से माइनस कर दो कितना गया 8, इसको इसमें से माइनस करो कितना गया 12, कट कर दो, दो बार कट रहा है ये कट कर दो
तीन बार कट रहा, कितना अनुपात आ गया हमारे पास, 2:3 आ गया। हमें क्वेश्चन में बोला है कि 8% पर दी गई राशि ज्ञात करनी है, 8% पर कितना दिया, तो 8% पर कितना दिया हमने, 2 हिस्सा दिया, कितने में से 5 में से, इन दोनों का योग कितना है 5 है, तो बांट देते हैं अनुपात में, तो 2 दूसरा हिस्सा दिया 5 में से कितने रुपए का, 20,000 रुपए का, तो 20,000 का हमने क्या बांट दिया, केस को काट दो कितनी बार कट रहा है 4,000, तो आंसर आ गया हमारे पास 8,000 रुपए आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में, बहुत इजी था क्वेश्चन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं भी आया मिश्रण वाला आपको समझ में, तो आप जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हो, बेसिक मेथड आपको सिखा ही दिया मैंने पिछले क्वेश्चन में, सीखा आप लोगों ने, तो उससे करना चाहो उससे कर लीजिए, मिश्रण से करना चाहो तो मिश्रण से कर लीजिए, मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए, डिपेंड करता है आप कितना फास्टली कैलकुलेशन।